यमुनानगर जिला सचिवालय में पहुंचे ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में स्थित धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों की जमीन पर होने वाले कब्जों एवं इन संस्थानों की फर्जी रजिस्ट्री करवाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि यह भूमि व संस्थान उन्हें विरासत में मिले हैं, जिन पर किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है, जिसमें इस तरह की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। जगाधरी और यमुना नगर में जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, यहाँ विरासत में हमें जो जमीन और प्रॉपर्टी मिली है, इसको कुछ लोग फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन ज़मीनों को प्रोटेक्शन मिले, ताकि कोई फर्जी तरीके से उन ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश ना करें, बेचने की कोशिश ना करें। कौन सी प्रॉपर्टी है और किस जगह है जिसको लेकर ये विवाद बता रहे हैं? यमुना नगर में फुहारा चौक के पास चर्च है, और चर्च की कुछ दुकानें भी हैं जो किराए पे लगाए गए हैं। जगाधरी में सेंट थॉमस स्कूल है, चर्च है, कृष्ण हॉस्पिटल है, प्रेम निवास, और एक जगह है जो मिशन की प्रॉपर्टी है, चर्च की प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन है, और हम सारा कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि हम विरोधी तक अपनी कोई भी जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो पहले से नहीं पहुँचाना चाहते हैं। बस हमारे पास सारे प्रमाण हैं, सारे कागज़ हैं, और सारे ऑथेंटिक कागज़ हैं, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कागज़ हैं, और वो कागज़ जो है वो कोर्ट केस अपना अलग चल रहा है। अभी हम मसीह समाज अपना सहयोग जो मसीह समाज है हमारा पूरा, वो बस ये इस समय डीसी साहब से और प्रशासन से ये कहने के लिए आए हैं, या ये हम अपनी प्ली उनके सामने रखने के लिए आए हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये एक रिलीजियस पर्पज़ से हैं, चर्च की प्रॉपर्टी है, अगर चर्च ने किराए पर भी दी है उनका भी जो वो है प्रयोग, जो भी पैसे का यूज़ है वो सब चर्च के लिए होना चाहिए या फिर उन इंस्टीट्यूशंस के लिए होना चाहिए जिनको की दी गई है। तो हमारी प्रशासन से ये एक अपील है कि ऐसे फर्जी लोगों को एंटरटेन ना किया जाए, और अगर ये जबरन कब्जा करने आते हैं तो हमें समय पर पुलिस की और आप सबकी सहायता। कौन लोग हैं जो ये प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं? जी, कई तरह के लोग हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं, हम उनका नाम यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि हमने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी जो चर्च के लीडर्स हैं उन्होंने करी। मैडम, कोई पॉलिटिकल शेल्टर वगैरह भी उनको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी हमारे देश का कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो सभी लोग हैं बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और जो भी न्यायालय का जो भी वो होगा निर्णय होगा वो हम सभी को मान्य होगा, पर तब तक अनाधिकृत रूप से इस जमीनों पर कब्जा ना हो इसके लिए हम प्रशासन से सहायता मांगने आए, नोटिफाइड किया है और ज़रूरी कागजों को सबमिट किया। आपका नाम क्या? जी, मैं चर्च की सदस्य हूँ।